अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज से हम एक नया चैप्टर खोल रहे हैं, नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम तमाम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजी की जितनी भी थीरीज हैं उनके स्कॉलर्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और जो सबसे पहला स्कॉलर है जिन्हें हम पढ़ने लगे हैं, आपकी स्क्रीन पे उनका नाम मौजूद है, इब्ने खलदून। हम इनकी सारी थीरीज करेंगे, इनकी इंट्रोडक्शन को करेंगे कि ये कौन थे वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपसे मैं करना चाहूंगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, लर्न विद लैला अफजल खान, ताकि आपके पास आने वाली सारी वीडियोस आती रहें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शन टू इब्ने खलदून पे होगा, जिसमें हम इब्ने खलदून का इंट्रोडक्शन करेंगे। इब्ने खलदून को वैसे भी कहा जाता है एज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी की जो थीरीज है वो आप एज अ रेफरेंस अपने क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, विद रेफरेंस टू फलाना आप स्कॉलर डाल के आप उनकी कोई कोटेशन डाल सकते हैं, तो इससे आपके मार्क्स में इजाफा होगा। इसके अलावा हम इंट्रोडक्शन टू इब्ने खलदून क्यों कर रहे हैं और हम डायरेक्ट इनकी थीरीज क्यों नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर कर दूं कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अगर इब्ने खलदून की किसी एक छोटे से पर्सपेक्टिव में अगर आ गया क्वेश्चन, इनकी एक थीरी पे क्वेश्चन आ गया और वो क्वेश्चन होगा तो 20 मार्क्स का होगा, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको 14 to 15 मार्क्स लेने हैं या फिर 12 to 14 मार्क्स आप अगर लेना चाहते हैं एक क्वेश्चन में, थीरी वाले क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपने पेजेस भरने हैं। 7 to 8 pages तो मस्ट है आप लोगों ने भरने। तो 7 to 8 pages आप एक ही थीरी के लिए कैसे भरेंगे? ऑब्वियसली आप उसमें कुछ ऐसा रिलेटेबल मटेरियल डालेंगे जो कि उसका है भी, जो इररिलेवेंट चीजें हैं वो आप नहीं डाल सकते। तो अगर आप रिलेवेंट रहते हुए वो क्वेश्चन को 7 to 8 pages में तक भरेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्वेश्चन का को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक पार्ट आप डालेंगे इंट्रोडक्शन टू इब्ने खलदून, आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे इब्ने खलदून का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई? और जो आज इस लेक्चर में मैं पढ़ा रही हूँ वो सारे पॉइंट्स आप फिर उसमें साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू इब्ने खलदून में हम सबसे पहले देखेंगे कि इब्ने खलदून वाज बोर्न इन 1332। इब्ने खलदून 1332 में पैदा हुए और बाद में ही ग्रियो अप इन ट्यूनिस एज अ डिसेंडेंट ऑफ अ नोबल फैमिली। उनका ताल्लुक नोबल फैमिली, बहुत अच्छे फैमिली से था, और जब वो बहुत छोटे थे तो उन्होंने अपने पेरेंट्स की डेथ और अपने क्लोज रिलेटिव्स की डेथ देखी। इसके अलावा ब्लैक डेथ भी उसी टाइम पे हुई थी, तो वो उन्होंने अपनी बहुत यंग एज में, यानी कि ही विटनेस द डेथ ऑफ लव्ड वंस एट अ वेरी यंग एज। उसके बाद लेटर ऑन ही परमानेंटली सेटल्ड इन इजिप्ट। वो परमानेंटली कहाँ पे सेटल हो गए? वो इजिप्ट में ही सेटल हो गए और वहीं पे उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 74 in 1406। ऑलराइट, उसके बाद है ही इज ऑथर ऑफ द फेमस बुक मुकद्दमा। मुकद्दमा ये है जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुकद्दमा जो बुक है वो इब्ने खलदून ने लिखी है, और मुकद्दमा ही हम अपनी आगे जितनी भी है इब्ने खलदून की थीरीज करने वाले हैं उसमें मुकद्दमा का रेफरेंस डाल रहे होंगे, क्योंकि मुकद्दमा ही वो बुक है जहाँ पे इब्ने खलदून ने अपने पर्सपेक्टिव्स का इजहार किया था और वो हम तक पहुंची है। और आज भी मॉडर्न वर्ल्ड इब्ने खलदून की थीरीज उनके पर्सपेक्टिव को इस्तेमाल कर रही है। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट सा लेक्चर। इब्ने खलदून के बारे में हमने इंट्रोडक्शन किया, इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता करके सारी इनकी जो थीरीज हैं वो हम वन बाय वन करेंगे, ताकि आपको अच्छे से इनकी समझ आती रहे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रिगार्डिंग दिस हिज थीरीज और हिज पर्सपेक्टिव, वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो और कन्फ्यूजन भी क्लियर हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।